रियल में जो पिक्चरों में देखते हैं ना रखी है। और ये देखो यार इतना तगड़ा इसमें से स्मोक बन के निकल रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है कि आग निकल रही है। पूरा जो हमने पटरियां वाइट तैयार कर ली है वो इतनी प्यारी लग रही है और इतनी सुंदर लग रही है हमारी ट्रेन में, आपको क्या बताऊं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों का दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस तवड़-तवड़ काफी ज्यादा गजब वाले कलेक्शन में, जो कि काफी ज्यादा अल्टीमेट होने वाला है, जिसमें कुछ होने वाले छोटे टॉयज तो कुछ होने वाले इतने बड़े टॉयज, कुछ होने वाले बिल्कुल सस्ते टॉयज तो कुछ होने वाले भाई बहुत ज्यादा महंगे टॉयज, जिसमें कि आप देख सकते हैं चूचू का ट्रेन सेट भी शामिल है आरसी हेलीकॉप्टर से लेकर के। लेकिन इसके जो डाईकास्ट मॉडल वाले जो डब्बे है ना, जो आप ये देख रहे हो भाई, इंजन डब्बे से लेकर तेल वाला डब्बा तक और पैसेंजर वाले डब्बे तक, ये सारे के सारे प्रॉपर मेटल के बने हुए यार। और आज जो है ना एंड में जिन 10 लोगों को शॉर्टआउट मिलेगा उनके लिए भाई छोटा नहीं बल्कि बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि आज जो है एक कोने बल्कि 10 में से किन्हीं 3 बंदों को मिलने वाला भाई साहब डोरेमोन का एटीएम मशीन, जिसको कि हम पिगी बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे आप देख सकते हो सारी की सारी इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे रखे कि आप कैसे पैसे डालोगे, इसको कैसे यूज करना है। इस पर यार बिल्कुल भी ध्यान मत देना इस एमआरपी पे, क्योंकि ये जो है 10 में से किसी 3 बंदों को बहुत ही इजीली मिलने वाला है। और ये जो डोरेमोन की तरफ से आता है जो काफी ज्यादा तगड़ा लगा मुझे, बस इसके अंदर जो है ना आपको कैसे यूज करना है कि आपको इसके अंदर 3 सेल डालने हैं, वो भी डबल वाली बैटरी। और यार आप देख सकते हो इसके ऊपर भाई साहब सुजुका, ज़ियान, नोबिता, सुनियो सबके सब बने हुए हैं। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक सिक्योर कोड लॉक है, यानी कि आप यहां से अगर नोट डालोगे तो डायरेक्ट नहीं खुलेगा ये लॉकर, आपको इसके अंदर पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद ये लॉक खोलोगे तब आपका लॉक खुलेगा। और यहां पर पता लाइट भी जलेगी, बस इसके अंदर 3 सेल डाल लेना और ये आपके पैसे इकट्ठे करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो भाई इसको रखते हैं साइड में। तो हम जो चूचू का ट्रेन सेट बाद में देखेंगे, हम सबसे पहले देखने वाले हमारी आरसी स्मोक कार, जिसमें कि भाई 4 नहीं बल्कि 6 पहिए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और यहां से स्मोक निकलेगा और एलईडी लाइट जलेगी। तो अगर यार अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब और बाजू में दिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले जितने हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना भाई ये सारे दरवाजे खुलते हैं, ऊपर के मैंने अभी आपको खोल के दिखाया। और ये जो आप सिस्टम देख रहे हो ना, ये सारी की सारी एलईडी लाइट्स है भाई, इसका दरवाजा खुल जाता है, इधर स्टीयरिंग व्हील वगैरह बने हुए हैं, आगे इन्होंने एक लाइट वाला सिस्टम बना रखा है। और इधर भी नीचे से ना आप ये देखोगे तो यहां पर भी एक एलईडी भाई लाइट दे रखी है और ये जलती भी एक्चुअल में, और पीछे वाली जो एलईडी लाइट्स है ये भी जलती है। और ये सब खुलने के बाद ये कार जो है और भी ज्यादा अच्छी लगती है, और ये आरसी स्मोक कार है। बट लेकिन मैं तुम लोगों को बताऊं कि ये एक हमर का मॉडल है, जो भाई मॉन्स्टर वाली कार होती है, सेम वो वाला लुक देती है ये, क्योंकि ये जो है ना आपने देखा होगा मिलिट्री कार्स बहुत ज्यादा ऐसी होती हैं, क्योंकि आर्मी वाली जो कार होती है ना सेम इसी तरीके से बनाई जाती है। और ये सेम आप देख सकते हो, सेम इसका वही डिजाइन है जो आर्मी वाली कार का होता है। पहली बार मैं आपके लिए जो ना भाई 4 पहिए वाली नहीं बल्कि इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 पहिए वाली एक आरसी स्मोक कार, वो की आर्मी वाली। और इसका टायर देख रहे हो एकदम मॉन्स्टर वाले भाई साहब, मॉन्स्टर ट्रक में जो टायर होते हैं वो टायर हैं, काफी ज्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले भाई इसके अंदर जो हम बैटरीज डालने वाले हैं, तो इसके अंदर भाई डलने वाले 4 सेल, क्योंकि ये जो है ना काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, तो इसको भाई पावर बहुत ही ज्यादा चाहिए होती है। प्लस में इसके अंदर आपको जो है ना इसी के बॉक्स में एक मिलने वाला है ये इस तरीके से पानी वाला, और इसके अंदर आपको ना पानी भर लेना, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर पानी कितनी मात्रा में डालना है। उसके बाद आपको इसको अच्छे से कैप लगा देना। और भाई इस गाड़ी को ऑन करने से पहले हम इसके अंदर डालने वाले हैं थोड़ा सा वाटर, और ये वाटर टैंक जो है भाई बहुत ही ईजी है, बस इसको इस तरीके से खोलना। पर लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना आप अगर इसके अंदर इतना वाटर लोगे तब भी आपको जो है ना इसमें से सिर्फ आधा ही डालना है, यानी कि आपको जो है सिर्फ 10-15 बूंद ही डालनी है इस तरीके से। भाई इसके अंदर आप डालोगे, देखो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर पानी जाता हुआ, बस इतना सा डाल के आप छोड़ देना। और उसके बाद ये इतना तगड़ा स्मोक बनाएगा ना कि आपको देखने के बाद भाई काफ़ी ज़्यादा मजा आ जाएगा कि हाँ भाई आप भी बोलो कि वाकई में यार ये एक आरसी स्मोक कार थी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो चलो भाई इस गाड़ी को करते हैं यहाँ से ऑन, और ये अब आप देख सकते हो भाई ये जो है हमने ऑन कर दिया है। और इसकी लाइट देखो, और यार इसकी लुक देखो इतनी तगड़ी लग रही है ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ, ये देखो धुआं कैसे छोड़ रही है। तो अब भाई मैं जो ना आपको ना एक काम करता हूँ, इस कमरे की ना लाइट ऑफ करने वाला हूँ मैं, और लाइट्स ऑफ करने के बाद देखना आपको भाई कतई मजा आने वाला है। तो लाइट्स को करते हैं ऑफ। तो ये देखो यार, मतलब आगे से इसकी नीली लाइट जल रही है, और ये देखो बीच में तो खुला है, और ये इतनी तगड़े तरीके से स्मोक फेंक रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि रियल में जो पिक्चरों में देखते हैं ना सेम वैसा ही आपको इसमें फील आ रहा होगा। पीछे भाई नीले कलर की एलईडी लाइट दे रखी है, आगे जो है लाल कलर की, हरे कलर की दे रखी है। और ये देखो यार इतना तगड़ा इसमें से स्मोक बन के निकल रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि आग निकल रही है।
इस तरीके से इन लोगों ने इसको डिजाइन करा हुआ है। और ये जब इसके दरवाजे खुलते हैं तो यहाँ पर भी जो है ना एक ग्रीन लाइट निकलती है और रेड लाइट निकलती है, जो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। देखो इधर ग्रीन लाइट चल रही है और इस तरफ से भी आप देखोगे तो भी आपको ये दिखेगा ग्रीन लाइट। और इतनी प्यारी बना रखी है इन्होंने तो भाई साहब मेरे से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। तो मेरे साथ फ्लोर पे आ जाओ, मैं आपको लाइव इसको फर्श पे दिखाने वाला हूँ। तो ये आ चुका है हमारा मिलिट्री टैंक, जो कि भाई स्प्रे वाटर फेंकने वाला बहुत गंदे वाला, यानी कि आरसी स्मोक आ रही है हमारी जो बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये भाई साहब 4x4 है लेकिन इसके अंदर 6 टायर्स और सारी की सारी एलईडी लाइट जलती है। ये देखो भाई ग्रीन लाइट भी जल रही है, नीली लाइट भी जल रही है। ओए भाई कितना बढ़िया लग रहा है। ओए माय गॉड गाइस, यार ये देखा तुमने भाई साहब, ऐसा लग रहा है वाकई में कोई बंदा इसके अंदर बैठ के इसको चला रहा हो। ओ माय गॉड, ओ बाप रे बाप, ओ भाई रे ये क्या था, ऐसा लग रहा है जैसे भाई कोई बंदूका चल रही हो धाए धाए धाए। ओ माय गॉड, इसके अंदर भी भाई साहब एलईडी लाइट लगे ने ग्रीन कलर की, अमेजिंग है भाई रे। कतई यार भाई साहब कतई बवाल यार, धुम्मा ठा दिया भाई गाड़ी ने तो सच में। ओ माय गॉड यार, वाकई में यार ये वाली जो हमर वाली जो आर्मी की कार है ये मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगी। और यार ये अंधेरे में इतनी बवाल लग रही थी मैं क्या ही बताऊं, मतलब भाई साहब इसमें लाइट इतनी दबादब भरी हुई है, मतलब यहाँ पे लाइट पीछे लाइट, इतनी अच्छी लग रही है। और जब ये खुलती है तो इसमें बीच में से भी लाइट निकलती है, जो इसका ये वाला जो हिस्सा है भाई यहाँ से भी पता है लाइट निकलती है, क्योंकि जो लाइट है ना जो लाल कलर की लाइट जल रही थी, ये देखो ये छोटा सा आपको जो बल्ब दिख रहा है ना भाई, एक्चुअल में ये लाल कलर का जल रहा था जिसकी वजह से जो वो धुआं निकल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये आग फेंक रही है। तो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। और सचमुच में यार 6 टायर वाली जो है ना, फर्स्ट टाइम मैंने ये आरसी कार चलाई है जो कि स्प्रे वाली कार थी, तो ये आरसी स्मोक कार 6 टायर की पहली बार चला के मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और इसके डोर वगैरह जो खुल रहे थे काफी ज्यादा अच्छे थे। और पता है ये गोल गोल क्यों घूम पा रही थी, क्योंकि इसके नीचे भाई ये एक रोटेटिंग व्हील दे रखा है, ये आप देख रहे हो भाई, ये इसको ना 360 डिग्री घूमने पे भाई साहब मजबूर कर देता है, तो इसीलिए मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और इसको भाई 4 साल से काफी अच्छी पावर मिलती है, तो पर्सनली मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई। अगर आप लोगों को भाई बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे आपको लिखना आरसी स्प्रे कार, ताकि मैं जो आपको ये आरसी स्मोक वाली कार गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब बारी आती है हमारे आरसी हेलीकॉप्टर की, लेकिन उससे पहले हम देखने वाले हमारा चूचू ट्रेन का सेट। तो भाई पहले तो आप ये देखो कि यार ये वाकई में जो है ना काफी ज्यादा बड़ा, ये देख रहे हो मतलब इतना ऊपर करने से तो इसका नीचे का जितना भी हमारा सामान रखा हुआ है कलेक्शन सारा का सारा ढक गया। और इन्होंने ना पीछे भी भाई डिजाइन वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सेटअप कर रखा है, बता रखा है कि इसके अंदर जो है हमें 4 डिब्बे मिलने वाले हैं, जिसमें कि भाई एक ऑयल वाला डब्बा होता है जिसके अंदर जो है तेल आता है, और दूसरे वाले के अंदर जो है ना भाई साहब कोयला वोयला भर के लाते हैं वो वाला डब्बा है, और बीच वाला जो डब्बा इसके अंदर बैठते हैं भाई सवारी यानी कि पैसेंजर बैठेंगे, और आगे वाला जो सबसे है ये है हमारा इंजन जो काफी ज्यादा तगड़ा है, और इसके अंदर भाई जो बैटरी जो लगी हुई है वो इस वाले में लगी हुई है सिल्वर वाले में। तो चलो भाई ये जो लोकोमोटिव की तरफ से आता है इसको हम खोल के दिखाने वाले आपको। अरे भाई रे भाई साहब, इस चीज को देखने के बाद ना पता मुंह से एक ही चीज निकलने वाली है कि ओ माय गॉड, मतलब वाव यार ये इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, इतना क्यूट लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं भाई। मैं एक एक चीज समझा देता हूँ, इस वाले की मैं बात कर रहा था, ये है इंजन जो कि ना भाई काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और इसको देखने से ना तुमको पहली बार में प्यार हो जाएगा। और इसका वेट भाई काफी ज्यादा है, मैंने आपको बताया था ना कि डाईकास्ट मॉडल है, और ये जो ये एक्चुअल में भाई मेटल का बना हुआ है, यानी कि ये जो भाई प्लास्टिक व्लास्टिक का नहीं है, ये मेटल की क्वालिटी का जो काफी ज्यादा तगड़ा। और ये देखो ये ऑन ऑफ वाला जो सिस्टम है इसका इसी वाले डब्बे में, क्योंकि इंजन जब ऑन होता है भाई तभी तो गाड़ी चलती है। और ये इसके नीचे देख के भाई 6 छोटे छोटे पहिए जो इसको चलाने वाले, तो ये भाई जो है मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो मेरे से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा भाई, मैं तो इसको जो जल्दी से बना के दिखाने वाला हूँ। और इसके बाद वाला जो हमारा जो डब्बा होगा भाई वो है हमारा मेन कंपार्टमेंट, जिसके अंदर भाई हमारी लगने वाली है बैटरी। तो ये जो आप पेज देख रहे हो ना भाई, ये यहाँ से खुलेंगे और इसके अंदर हमारे डलेंगे 3 से 4 सेल, और ये ऊपर इसके अंदर कोयला रखा हुआ है, और इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर लिख भी रखा है ट्रांसपोर्ट द कोल, यानी कि भाई ये जो है कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। और इन्होंने ये बना रखी है एक चार्जिंग वाला सिस्टम, और ये चार्जिंग स्लॉट जो भाई ये यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हो, और आप या अगर चाहो तो इसके अंदर अगर आपको सेल नहीं डालने तो आप इसको डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो, ताकि इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए। तो ये वाला भाई डब्बा भी मुझे जो है काफी ज्यादा पसंद आया। और भाई तीसरा वाला जो है ना, इसके बिना तो ये समझ लो कि मतलब ट्रेन अधूरी है, क्योंकि ट्रेन अगर चल लेगी या ट्रेन अगर ट्रांसपोर्ट भी करेगी लेकिन अगर उसके अंदर पैसेंजर नहीं बैठेंगे तो मजा कैसे आएगा। तो ये एक, अरे वाह इन्होंने कुछ अलग ही चीज लिख रखी है यार। और ये वाला जो डब्बा हुआ ये एक लग्जरी डब्बा है जिसके अंदर पैसेंजर बैठ के जाएंगे, और इसके अंदर 4 विंडो वगैरह आपको देखने के लिए मिल रही है।
और ये भी एक मेटल का ही बना हुआ है, और इसके नीचे आपको मिलेंगे भाई देखने के लिए ये चार पहिए, 1, 2, 3, 4, लेकिन अगर इसकी साइड देखोगे तो टोटल 8 साइड है, क्योंकि चार पहिए ये उधर की तरफ से भी हैं। तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन पता है क्या सबसे अच्छी चीज है कि भाई मुझे जो है ना, अगर तुम ये देखोगे जो कि ये वाला डब्बा है, ये भाई तुम्हें काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर है यार, मतलब ऑरेंज कलर का कलर है ये, काफी ज्यादा अच्छा। इस पर झीना लगा हुआ है, एक सीढ़ी बनी हुई है जिसके अंदर जाके हम देख सकते हैं ऊपर के भाई इसके अंदर टैंक ये फुल है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना भाई ऑयल लेके जाते हैं, और इन्होंने एक डेंजर वाला साइन लगा रखा है, इन्होंने बिल्कुल असली बना रखी है यार, ये तो यार इन्होंने कमाल ही कर दिया। पता है ओरिजिनल वाली में भी ना सेम ऐसे स्टिकर लगा होता है, कमाल है यार। और देखो नंबर भी लिख रखा है इन्होंने 2786, तो ये इन्होंने काफी अच्छी चीज बना रखी है, और ये देख के मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, और असली मजा पता है भाई इसके बिना नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर तो हमारी ट्रेन चलेगी। तो ये हमें देखने के लिए मिलती है इसके अंदर पटरियां, और ये देख सकते हो इसके अंदर भाई एक पटरी नहीं है बल्कि 1, 2, 3, 4, तो भाई चार पटरी ये है और चार पटरी ही है, तो यानी कि टोटल 8 पटरियां हैं, जिससे कि भाई एक बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, गोला बनेगा, और उसके बाद जो ये इसके अंदर चलने वाले। तो आज भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका लाइव डेमो। और भाई ये केबल हमें जो है कनेक्ट करनी होती है इस इंजन वाले डब्बे पे, और ये देखो पूरा का पूरा जो हमने पटरियां वाइट तैयार कर ली हैं, वो इतनी प्यारी लग रही है और इतनी सुंदर लग रही है हमारी ट्रेन में, आपको क्या बताऊं। और जो सबसे आगे वाला है ना भाई, वो पूरा का पूरा मेटल का है डब्बा, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखो यार ये फ्यूल टैंक था, बीच में हमारे ग्रीन वाला जो है उसके अंदर सवारियां बैठी हुई हैं, और ये देखो यार ट्रेन की पटरियां इतनी गुड लुकिंग लग रही हैं, बहुत प्यारी यार, सच में यार दिल गार्डन गार्डन कर दिया, वाह यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ये नज़ारा, बहुत गजब। यार कहा था ना मैंने कि आप जब इसको देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, तो क्यों यार आ गया ना मजा। तो भाई ये जो स्वाद है ना मुझे बहुत पसंद आया, और भाई राहुल गांधी के स्टाइल में ये स्वाद जो है मैं पूरे भारत को देना चाहता हूँ। तो ये पर्सनली मुझे जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा, और सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसको अगर आपको बैटरी से करना है यूज तो आप इसको सेल से यूज कर सकते हो, और अगर आपको इसको चार्ज करना है तो उसके लिए भाई इसके अंदर कनेक्टर दिया गया है। इस अमेजिंग भाई कतई बवाल यार, धुम्मा ठा दिया इसने, और ये जो इसका इंजन है ये हमारा दिल जीत लेगा, क्योंकि इसका जो वजन है इन सबके मुकाबले काफी ज्यादा हैवी है, और यार ये ना तुम्हें पुराने जमाने वाली ट्रेन की याद दिलाता है, क्योंकि इसको इतना सुंदर बनाया ना, मैं क्या ही बताऊं। इसको जब आप अपने हाथ में फील करोगे ना, लाइव देखोगे, तब आपको ज्यादा पसंद आएगा। तो यार अगर आपको भी ये ट्रेन सेट काफी ज्यादा पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिखना, और उसके आगे आपको लिखना ट्रेन सेट, और अपना एड्रेस डालना बिल्कुल मत भूलना। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब जो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाने वाला हूं, तो ये हमारा RC हेलीकॉप्टर जो कि भाई साहब HX7113 मॉडल है, और इसके ऊपर आप देख सकते हो कि स्काई हेलीकॉप्टर भी लिखा हुआ है, और लेकिन इसके प्रोपेलर पे भाई एक वार्निंग दे रखी है कि ये जो है भले ही प्लास्टिक है लेकिन ये जो है भाई कट कर सकता है उंगली को, तो इसको भाई थोड़ा सा बचा करके उड़ाना पड़ेगा। और इसके नीचे आपको देखने के लिए मिलती है भाई छोटी सी एक ये LED लाइट यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि अगर ये अंधेरे में भी उड़ेगा तब भी ये जो ना आपको एकदम साफ साफ दिखेगा। और इसका जो ये वाला हिस्सा है ना जो आप ये देख रहे हो, ये वाला भाई मेटल का हिस्सा, ये डंडी भी मेटल की है, और आगे जो है भाई ये प्लास्टिक का दे रखा है, और ये जो स्टैंड है ये भी मेटल का है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। और ये देखो ये इस तरीके से आगे से ऑन ऑफ करने के लिए इन्होंने एक बटन दे रखा है, जैसे आप ऑन करोगे तो आपको ये देख रहे हो ये नीली नीली लाइट दिखेगी। अभी दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो तो आपको दिखाना जलता हुआ, तो ये पूरी की पूरी जो प्रॉपर है इसके अंदर से टॉर्च वॉर्च लाइट जो है ये प्रॉपर आपको दिखेगी, और आगे से ये आपको ऐसा दिखेगा टोनी स्टार्क वाला फेस मास्क, यानी कि ये जो पूरा का पूरा हेलमेट आपको उसी की तरह दिखेगा। तो ये जो है भाई आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, और ये यहाँ से चार्ज भी होता है, और चार्जर जो है आपको इसके बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। अगर जब ये लाल होगा तब समझ लेना कि ये चार्ज कर रहा है इसको, और जब ये हरा हो जाएगा तब समझ लेना कि ये प्रॉपर चार्ज हो चुका है। और ये पिन जो है भाई, ये दोनों की दोनों पिनें आपको इसके अंदर अटकानी है, ये देखो कुछ इस तरीके से ये जो है लग के तैयार हो जाएगा, और अब ये जो प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयार हो गया है यानी कि उड़ने के लिए, और इसको मैं पहले चार्ज कर चुका हूं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसको चार्ज कैसे करना है, क्योंकि इसके लिए आपको जो है एक चार्जर ऑलरेडी मिलेगा इसके बॉक्स में ही, और प्लस में इसका रिमोट कंट्रोल जो देखोगे तो रिमोट कंट्रोल देख के आपको हंसी आने वाली है, क्योंकि भाई साहब हेलीकॉप्टर से बड़ा तो उसका रिमोट कंट्रोल है, और वो भाई मैं उसकी पता रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि वो जो है ना काफी ज्यादा इसको ऊंचाई पे लेके जाएगा, जब आप देखोगे ना कि इतना ऊंचा उड़ रहा है तब आप खुद हक्के बक्के रह जाओ कि ये इतना ऊंचा कैसे उड़ सकता है। तो भाई चलो पहले मैं इसका आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको जो है इसका रिमोट भी दिखाऊंगा। भाई हमें जो है दो इस तरीके के पॉपअप वाले मिलते हैं, जिसको कि आप जो है इसको इसके ऊपर लगा के जॉयस्टिक की तरह इसको यूज कर सकते हो, दाएं बाएं चला सकते हो। तो अब जो मैं आपको इसका एक लाइव डेमो देने वाला हूँ। वाह यार ये कितना ज्यादा असली लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कोई असली हेलीकॉप्टर। ओ भाई साहब, बाप रे बाप भाई, इसको साउंड देखो यार तुमने, कितनी तेजी गया है, फड़फड़ फड़फड़ करता हुआ। एक बार बिल्डिंग से भी ऊपर लेके चलते हैं इसे। ओ भाई रे, ये तो एकदम चिड़िया लग रहा बिल्डिंग ऊपर भाई आसमान में एकदम परिंदा, लिटरली मेरे हाथों को ना महसूस हो रही है इसकी हवा। ओ ये देखो भाई,
छत में कैसे गोल गोल घूम रहे, और मैंने पता लाइट ऑफ कर रखे थे, पता छत में लगा हुआ ये, और ये देखो कैसे टिमटिमा रही है इसकी लाइट, मतलब भाई अंधेरे में भी ना इसे चला सकते हो। अरे भाई तो भाई जहर भाई रे बवाल। अरे यार इसको ना सबसे पहले तो यार ऑफ करते हैं यार, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग निकला। इसमें बटन देखो कितना छोटा सा है, तो भाई थोड़ा नाजुक तरीके से इसको दबाना, कहीं पता चले तोड़ ही दो गुस्से में आके। और इसकी सबसे अच्छी चीज भाई मैं तुम्हें बता दूं, ये जो टिप है ना, ये भाई इन्होंने बहुत हार्ड वाले प्लास्टिक के बना रखे, लेकिन आगे इन्होंने यहाँ पर जो है भाई मेटल लगा रखा है, और इस वाली टिप पे भी मेटल लगा हुआ है। और अगर आप ध्यान दोगे तो नट वगैरह जो सारे मेटल के हैं, और ये बीच में जो डंडी है ये भी मेटल की है, इसलिए अगर ये दीवार से भी टकराता है या ये डायरेक्ट अगर नीचे भी गिरेगा या पेड़ से भी टक जाए या किसी भी चीज से टकरा जाए तो ये नहीं टूटता, इसकी यही असली वजह। और मुझे पर्सनली इसीलिए ज्यादा अच्छा लगा, और ये काफी ज्यादा भी उड़ता है, तो ये मुझे भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। मतलब कि इसको अगर मैं सच बताऊं, अगर आप इसको अच्छे से फुल चार्ज कर लोगे और चार्जर की जैसे ग्रीन लाइट हो जाती है, तो उसके बावजूद ये पता है कम से कम आपका 20 मिनट तक नॉन स्टॉप उड़ सकता है, तो यानी कि 20 मिनट आप इससे आराम से खेल सकते हो। तो मुझे जो है इसने काफी ज्यादा अमेजिंग करा। और जब ये पता है हाइट पे जा रहा था ना, तो यार ये इतना छोटा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा कि पता है कोई चिड़िया आ गई है, तो ऐसा एकदम चिड़िया की तरह आपको दिखने लगेगा जब ये एकदम बिल्कुल ऊंचा चला जाता है। तो मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं भाई, आरसी कार वगैरह हो गई, ट्रेन हो गई, हर एक चीज से खेलना। अगर आपको भाई आरसी हेलीकॉप्टर ये काफी ज्यादा पसंद आया हो तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे आपको वाव लिखना है, उसके आगे आपको लिखना है स्काई आरसी हेलीकॉप्टर, ताकि मैं जो आपको स्काई वाला हेलीकॉप्टर गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब भाई हम देखने वाले हमारा स्पाइडरमैन वाला ड्रोन, जो कि ये रहा। ये भाई जो है आप देख सकते हो ये इंडक्शन से भी चलता है, इन्होंने भाई इस पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि भाई इस तरीके से इसकी टांग वांग पकड़ के मत उड़ाना, ये गलत है और ये करेक्ट पोजीशन है, पर उसकी टेंशन मतलब वो सब जो है मैं आपको अभी खुद दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्पाइडरमैन की तरफ से आता है, जिसको कि स्पाइडरमैन ड्रोन भी कहा जाता है, और इसको स्पाइडरमैन हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। और ये जो भाई काफी ज्यादा अमेजिंग है अगर मैं आपको दिखाऊं तो। पहले तो भाई हमारा स्पाइडरमैन देखो यार क्या सीना तान के बंदा खड़ा हुआ है यार, इसका कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पे है। और प्लस में इसके साथ हमें एक रिमोट भी मिलता है, मतलब इसी को बटन दबाओगे तो यहीं से चालू हो जाएगा, और इसको दबाओगे तो यहीं से ऑफ भी हो जाता है। बाकी इसके अंदर पता नीचे भी सेंसर दे रखा होता है, मतलब अगर आप इसको हल्का सा भी ऐसे करोगे तो इसको पता चल जाता है कि इसे उड़ना, और ये ऑटोमेटिक उड़ जाता है, इसे जैसे ही पता लगता है कि टक्कर खाने वाला है तो ये ऑटोमेटिक वापस से ऊपर उड़ने लगता है। तो ये चीज इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। और प्लस में ये जो है आपको पीछे से चार्जिंग करने के लिए भी मिलती है, और जब ये चार्ज हो जाता है तब आप इसको आराम से ऑन ऑफ के बटन को ऑन करके इसको उड़ा सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि ये प्रॉपर जो चार्जिंग वाला सिस्टम इसके अंदर दे रखा है, और इसके बॉक्स में आपको जो है भाई चार्जिंग केबल भी मिलती है, मतलब आप देख रहे हो कि हर एक चीज के साथ जो उसका चार्जर मिलता है। आप देख सकते हो कि मतलब कि भाई हमें आरसी हेलीकॉप्टर के साथ चार्जर मिला है, हमें स्पाइडरमैन वाले ड्रोन के साथ चार्जर मिला है। तो ये सब चीजें जो होती है ना भाई काफी ज्यादा आसान बनाए थे। तो यार आज जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग करने वाला है, क्योंकि ना इसको भाई हम लाइव तो उड़ाएंगे ही, साथ में मैं इसको ना आपको अंधेरे में भी दिखाने वाला हूं, तो आ जाओ मेरे साथ लाइव। ओ भाई साहब और ये, ओ माय गॉड गाइस, ये देखो हमारा फ्लाइंग स्पाइडरमैन, यानी कि आज से इसका नाम द अमेजिंग स्पाइडरमैन नहीं है, इसका नाम है फ्लाइंग स्पाइडरमैन। ओ भाई अंधेरे में देखो, ओहो भाई साहब क्या लग रहा है यार, ये सो क्यूट, और ये अंधेरे में देखो एकदम आरसी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ रहा है। ओ माय गॉड गाइस यार ये लाल लाइट तो देखो, ओ भाई रे कतई गजब भाई साहब, कमाल है बवाल है भाई साहब, बेमिसाल है यार, क्या चीज है ये। तो यार मैंने क्या कहा था कि ये जो है काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगा, अंधेरे में तो ऐसा लग रहा था यार किसी ने जो है ना लाल बॉल को भाई जला करके छोड़ दिया है, और वो पूरे कमरे में रेड रेड हो रही है। तो भाई इसको देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और ये पता इसके अंदर भी सेम वही आरसी हेलीकॉप्टर वाला सिस्टम है कि इसके अंदर जो मेटल की डंडी दे रखी है ना, ये भाई टकराती भी है ना तो ये पता टूटता नहीं है, और इसकी वजह से ही मुझे एक स्पाइडरमैन वाला ड्रोन काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हटके है। तो हाँ भाई अगर एक चीज में कहना पड़े या एक शब्द में कहना पड़े तो 700 रुपए में ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए भाई प्राइस मैटर नहीं करते। तो अगर ये आपको पसंद आया तो भाई आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिखना, और उसके आगे लिख देना स्पाइडरमैन आरसी ड्रोन, ताकि मैं जो आपको ये रिमोट कंट्रोल वाला ड्रोन गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब बारी आने वाले भाई हमारे कुछ पेन के कलेक्शन की, जिसमें कि बहुत सारे तगड़े तगड़े पेन है। तो भाई साहब ये ले लिया मैंने भाई पूरा का पूरा अपना पेन कलेक्शन, जिसमें कि आज जो है मेरे 5 फेवरेट पेन है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। और भाई सबसे पहले वाला जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है भाई हेलो किट्टी की तरफ से आने वाला 4-in-1 पेन, यानी कि भाई ये पेन एक है और इसके काम अनेक होने वाले, क्योंकि इसके अंदर 4 पेन दे रखे हैं, नीला, लाल, काला और हरा। अगर आपको लग रहा है कि 4 पेन ज्यादा तो भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मैं आपको 6-in-1 वाला भी दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर की 6 पेन मिलने वाले हैं। तो भाई इसके अंदर को तो मैंने आपको जो 4 पेन वो मैंने बता दिए, बाकी ये मेरा हेलो किट्टी वाला क्यों फेवरेट हुआ वो मैं आपको बता दूं कि भाई इसका जो आप है ना जैसे बटन दबाओगे इसके अंदर जलते हैं लाइट्स, ये देखो। और भाई अब एक बार ना मैं लाइट्स ऑफ करके आपको इसकी लाइट्स दिखाता हूं। तो ये देखो यार मतलब क्या जल बुझ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिवाली वाली जो लड़ी नहीं जलती, जुपुक
पुक 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 उस तरीके से जल बुझ रहा है, और ये पता स्लो स्लो भी हो जाता है और कभी फास्ट भी हो जाता है। इसके अंदर ब्लू कलर है, रेड कलर है, पिंक कलर है, और थोड़ा थोड़ा जो है ना थोड़ा सा येलोइश और ग्रीन कलर भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये भाई पार्टी कर सकते हैं कि ही हंस देने रिंकिया के पापा। तो ये मुझे काफी ज्यादा ऑसम लगा। तो भाई लाइट्स को करते हैं ऑन। तो यार ये पेन वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार था। तो अब इसके बाद भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना दूसरा वाला आज का इस कलेक्शन का पेन, वो है भाई ये मरमेड वाला डिजाइन वाला। ये देखो क्या रंग है इसका, और इन्होंने देख रहे हो इतनी 3D इसके ऊपर भाई साहब बनाई है ना नक्काशी, क्या बताऊं मैं आपको, प्रॉपर एकदम ऐसा मछली वाला डिजाइन है। और कोई बोलेगा भी नहीं कि ये कोई फैंसी पेन है, बट अगर आपको इन पेन का यूज करना है ना तो इसको होमवर्क वगैरह करने के लिए मत यूज करना, इसको रखो यार अपने पास सिग्नेचर करने के लिए, क्योंकि ये जो है ना काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा। और ये एक बॉल पेन है जिसकी जो है ना भाई राइटिंग काफी ज्यादा तगड़ी आती है। ये देखो है ना मतलब कितनी इंटरेस्टिंग। तो भाई आप जो इससे कुछ भी लिख सकते हो, साइन वगैरह कर सकते हो अपना, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और प्लस में इसके साथ अब एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपको बहुत अमेजिंग लगेगी, वो है ये वाला पेन। आपको लग रहा हो कि ये कोई डैगर या कोई नाइफ है, लेकिन नहीं भाई ये कोई चक्कू वक्कू नहीं है। और आपको लग रहा हो कि इसका वेट भी ज़्यादा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप तब भी गलत हो। पता है क्यों? क्योंकि यार ये प्लास्टिक का और पता है इतना ज़्यादा हल्का, मैं आपको क्या बताऊं। बस इन्होंने इसके ऊपर मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करी है कि इन्होंने इसके ऊपर डॉट्स वगैरह बहुत बढ़िया बनाया है, इसको गोल्डन फिनिशिंग दे रखी है और आगे सिल्वर फिनिशिंग दी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रियल लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत भारी है। पर आपको ऐसा लगे कि ये पेन यहाँ से खुलेगा या नीचे से खुलेगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो डायरेक्ट यहाँ से खुलता है ना यहाँ से खुलता है, ये खुलता है एकदम नीचे से। तो ये वाला सिरा ऐसे घुमाओगे और ये ऐसे खुल जाएगा, और ये जेल पेन होने की वजह से ना इसकी राइटिंग कितनी अच्छी आएगी ये आप अब देखो। तो यहाँ पर देख रहे हो हम भाई कुछ लिखने वाले हैं, तो भाई ये देखो इधर डोरेमोन कुछ लिखेंगे, तो भाई गर्मी इतनी हो रही है ना सचमुच में, पसीना आ रहा हाथ में तो चल नहीं रहा, इसको मुझे लग रहा है एक बार झटका देना पड़ेगा या फिर मुझे अपने हाथ का पसीना पोंछना पड़ेगा। तो इधर हमने लिखने वाले भाई डोरेमोन, तो ये देखो ये डोरेमोन का भाई सिग्नेचर कर दिया, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये जो है भाई ये भी सिग्नेचर करने के लिए बहुत प्यारा, और आपके हाथ में सच बताऊं आपको ऐसा लगे कि आपने कोई मोर का पंख या कोई कबूतर का पंख पकड़ रखा, जो पुराने जमाने में उसको सियाही में डुबो के इसी तरीके से इस्तेमाल करा जाता था। अब आप देखो ऊपर से आपको देखने के बाद ऐसा पता चल रहा हो कि ये एकदम सेम मोर के पंख जैसा है। तो ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इस पेन की। तो भाई ये जो दोनों के दोनों में अभी मैंने आपको पेन दिखा और मैंने आपको मरमेड वाला पेन दिखा जो मछली वाला डिज़ाइन था, ये तीनों ही पेन काफ़ी लाजवाब हैं। और प्लस में ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ चौथा पेन, और ये भाई इसके तो कहने क्या, ये तो आता ड्रीम स्पेस की तरफ से, जिसमें कि हमारा एस्ट्रोनॉट भाई रॉकेट पर बैठ के कहीं भी निकल लेता है। ये देखो किसी भी ग्रह के चक्कर लगाया था ये, और ये देखो कितने प्यार से इसने इसको पकड़ रखा है ग्रह को, इतने क्यूट है ये यार मैं क्या ही बताऊँ। और ये वाला पेन भी जो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, देखो इस पर सेफ्टी निब भी लगी हुई है, और ये भी एक जेल पेन है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये देखो। और भाई ये सारे पेन जो है ना वर्किंग में है, यानी कि इन सबको पता आप सिग्नेचर के लिए रखना, और प्लस में ये इसकी सीजर और इसको रखने के लिए ना भाई ना तो ज्योमेट्री चाहिए, ना किसी पॉकेट वॉकेट में रखना, ना किसी बैग में रखना, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है यार कि इसको कहाँ रखना, क्योंकि इन्होंने खुद एक होल्डर दे रखा है जहाँ पर कि इसको रखोगे तो आवाज़ भी आएगी। ये देखो है ना एकदम से टक करके आवाज़ आती है, और इसको बोलते हैं भाई साहब पेपर कट सीजर, जो आपके ड्राइंग प्रोजेक्ट्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा काम आती है। और आपको लग रहा हो कि भाई ये प्लास्टिक की है तो इससे कुछ नहीं होगा, तो यार मैं आपको पता है एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, ये आपको ड्राइंग में तो मदद करेगी, प्लस में ये आपको हाथ वगैरह कटने से ही बचाएगी। तो ये देखो मेरे हाथ पर लकीर भले ही पड़ गई, लेकिन इसको मेरे हाथ को कुछ भी नहीं हुआ यार मेरी उंगली को, तो मैं अब आपको इससे पेपर कट करके दिखाता हूँ। ये ले लिया भाई मैंने एक पेपर, और ये देखो इसकी स्पीड भी अच्छी है और इसकी पता कटिंग भी अच्छी है, देखो एक ही बार में मतलब कितने तगड़े तरीके से इसने काटा है। तो ये आप देख सकते हो, रुक जाओ ये वाइट है ना तो इसलिए फ्लैश मार रहा है अपने आप। ये देखो ये चार तरीके से अलग अलग तरीके से कटा है, तो भाई आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाली जो सीजर है आपके प्रोजेक्ट्स में कितना काम आएगी, और ये आपके ड्राइंग प्रोजेक्ट्स को और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाएगी। तो ये ड्रीम स्पेस की तरफ से आने वाला ये पेन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और हमारा सबसे लास्ट वाला भाई साहब, जिसमें कि लिखा होता है बिलीव इन मैजिक, तो यानी कि भाई मैजिक में विश्वास करो, और ये हमारी क्यून वगैरह बनी हुई है, ये हमारा यूनिकॉर्न रंग बिरंगे भाई साहब रेनबो निकला हुआ है एकदम इंद्रधनुष, इतना प्यारा लग रहा है। ये हैप्पी बर्थडे मन रहा पता किसका, हमारे यूनिकॉर्न का, जिसके रंग बिरंगे बाल और रंग बिरंगी सींग रहती है, रंग बिरंगे पूछ। और ये पता है जैसे इसके बाल है ना भाई साहब अलग अलग तरीके के और अलग अलग रंग में, सेम वैसे के वैसे इस यूनिकॉर्न के पता है भाई पेन भी देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि ये भी पेन एक है और इसके काम बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर मिलेंगे 6 पेन। ये देखो काला 1, नीला 2, लाल 3, हरा 4, संतरी 5, बैंगनी 6, तो इसके अंदर टोटल भाई साहब 6 कलर मिलते हैं आपको अलग अलग रंग के, और ये सारे चलते हैं। देखो ये पलर पलर दिखाऊं, तो ये देखो आप
ये पर्पल कलर है और ये ब्लू कलर है, कितना अंतर है यार इनके अंदर। तो आप देख सकते हैं 6 के 6 जो पेन है ये सारे के सारे वर्किंग है, और वाकई में मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा आज का कलेक्शन। तो भाई आपको जो इन पांचों में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया, आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे लिख देना इन वाले पेन का नाम। और अगर आपको पांचों के पांचों पेन पसंद आए हैं तब आपको जो अपना नाम लिख के वॉल लिख के आपको उसके आगे लिखना है पेन कलेक्शन, ताकि मैं जो आपको आज का पेन का कलेक्शन गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर, और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला यूनिकॉर्न की ही ज्योमेट्री पाउच और ज्योमेट्री बॉक्स। यार ये आ गया है हमारे हाथ में यूनिकॉर्न का एक पाउच, जिसके अंदर भाई छोटा सा ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल रखा है और काफी सारे भाई ग्लिटर डाल रखे हैं, यानी कि इसके अंदर डाल रखा है इन्होंने सितारे। तो देख रहे हो सितारे कितने प्यारे लग रहे हैं, जगमगा रहे हैं, और ये भाई शाइन करती है अलग अलग तरीके से, क्योंकि इसके अंदर चमकीले टाइप का कुछ लगा रखा है और चमकीली वाले ही पेपर है, और इस पर लिखा हुआ है बिलीव इन मैजिक, यानी कि जादू में विश्वास रखो। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसका जब मैं पलटूंगा ना तब आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है भाई फैदर, जो कि आपके कंबल में लगा होता है सेम वैसा लगा हुआ है। आपको लगेगा कि एक जो क्यूट पप्पी होता है ना सेम वैसा लगेगा, ये देखो इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे हाथ इसमें लगाओगे तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एकदम उंगलियों को आराम मिल रहा है। ये देखो इतना प्यारा ऐसा लग रहा है कि कोई क्यूट सा भाई डॉग होता है ना सेम वैसा आपको फील आएगा, और जैसे आप इसको हाथ को ऐसे कर दोगे तो ये बाल एकदम भाई साहब बैठ जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसका जो कलर है इन्होंने स्काई ब्लू जो बनाया है इतना अमेजिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। और इधर से देखोगे तो दिल का डिज़ाइन इसमें दिखेगा चैन में, प्लस में जो ये चैन का छल्ला है ये भी दिल के आकार में ही है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर का स्पेस आप भाई देखोगे तो हिल जाओगे, इसके अंदर की फोम निकाल के इसके अंदर ना आप 12 स्केच कलर रख सकते हो यार, प्लस में इसके अंदर प्रकार ज्योमेट्री का आपका जितना भी सामान होता है ना इरेजर शार्पनर और पेन ये जितने भी है सबके सब इसके अंदर बड़े आराम से आ सकते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री का पाउच है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। तो आप भी भाई साहब अगर ज्योमेट्री के पाउच की तलाश कर रहे थे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है ये, क्योंकि ये आपको जो है बड़े इजीली मिलने वाला। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे लिखना है आपको यूनिकॉर्न ज्योमेट्री पाउच, ताकि मैं जो आपको ये पेंसिल पाउच गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। भाई अब हम देखने वाले हमारी रेंज रोवर कार, जो कि पूरी रिमोट कंट्रोल से चलती है, और इसके अंदर हेडलाइट भी चलती है जो अंधेरे में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये 360 डिग्री गोल गोल घूम के स्पिन भी करेगी, और ऊपर से भाई साहब ये आपको बहुत ज़्यादा मजा दिला देगी। पर लेकिन उससे पहले हम देख देते हैं ये हमारी जो लास्ट वाली जो ज्योमेट्री का पाउच है ये यूनिकॉर्न की तरफ से आता है, ये भी जिस पे लिखा है बिलीव इन यूनिकॉर्न और स्वीट लिखा हुआ है, दो छोटे छोटे क्यूट दिल बना रखे हैं। और ये वाला जो पाउच है ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको आप अलग से निकाल के जो है इसके अंदर अपने 2 रुपये 5 रुपये का सिक्का 10 रुपये का सिक्का इसके अंदर 100 रुपये का नोट 500 का नोट 2000 का नोट, 2000 का तो वैसे बंद हो गया, तो आप जो इसके अंदर अपने पैसे भी इकट्ठे कर सकते हो, और इसकी जिप पर भी भाई दिल बना हुआ है। तो यानी कि ये जो है भाई आपके लिए ना भाई पर्स की तरह भी काम करने वाला है, इस फोम को निकालोगे तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है, प्लस में आपकी जो मेकअप वाली इरेजर्स वगैरह होती है फैंसी इरेजर वो भी इसके अंदर काफ़ी इजीली आ सकती है। तो भाई ये ना अटैचेबल है और डिटैचेबल है, यानी इसको लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो, और इस ज्योमेट्री के अंदर भी आपको पाउच ही पाउच मिलेंगे। ये देखो यहाँ पर भी इसका कितना सारा स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये इसी वजह से जो है ना भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, और इसीलिए पता है मैंने इसको खरीदा भी था। और आप इसको देखोगे तो इसके अंदर तो भाई इससे भी ना 2 गुना स्पेस है यार, मतलब इतने सारे स्पेस का बंदा करेगा क्या, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा। तो यानी कि अगर इसके अंदर आप 12 स्केच कलर रख लोगे, 12 पेंसिल रख लो, 4 कंपास रख लो, 2-4 D रख लो, इरेजर रख लो, पेन कलेक्शन रख लो, यार मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी बड़ी है इसकी स्पेस। तो भाई ये जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और ये यूनिकॉर्न वालों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, और यार यूनिकॉर्न मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता मुझे पहले इतना पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैंने भाई अपनी छोटी बहन को दिलाया था ना उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, और इतने अच्छे लगते हैं कि मेरे पास यूनिकॉर्न का भंडार है यार। किसी दिन अगर आप बोलोगे तो स्पेशली ये अलग से कलेक्शन बनाऊंगा, जिसमें कि हर एक चीज मैं आपको यूनिकॉर्न की दिखा दूंगा। तो भाई साहब अगर आपको काफी ज्यादा पसंद आया तो इसके आगे आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है पेंसिल बॉक्स। ध्यान रहे इसके लिए आप लिखना ज्योमेट्री पाउच, और इसके लिख लिए आप लिख देना पेंसिल बॉक्स, ताकि मैं जो आपको ये वाला यूनिकॉर्न गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। यार किस किस को लगता है कि क्यूब को भाई सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान होता है, भाई सच बताओ मुझे जो है 18-20 मिनट लगता है, और कई बार मेरे को पता 30-35 मिनट भी लग जाते हैं। और ये वाला जो है भाई ये 3x3 वाला क्यूब, जिसको कि भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और इसके अंदर कलर्स जो है ना आपको सारे कलर्स मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ब्लू कलर है, रेड कलर है, व्हाइट कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, और इसके अंदर ऑरेंज कलर के साथ साथ मिलेगा रेड कलर भी। तो इतने सारे इसके अंदर कलर्स मिलते हैं। तो यार अगर आपको लगता है कि आप इसको मेरे से जल्दी सॉल्व कर सकते
सकते हो, यानी कि अगर मैं इसको 20 मिनट में सॉल्व करता हूँ और आपको लगता है कि आप इसको 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है जस्ट अपना नाम, उसके आगे वॉ लिख देना और उसके आगे लिख देना रूबिक क्यूब, ताकि मैं जो आपको ये क्यूब गिव अवे कर सकूं, अपना नाम जरूर लिखना। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो भाई रेंज रोवर को दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका एंटीना, देखो यार रिमोट कंट्रोल का इतना बड़ा है कि हमें इस गाड़ी के पीछे पीछे नहीं भागना, हम इसको दूर से ही चला सकते हैं, आगे पीछे दावे कर सकते हैं यार, जो मर्जी कर सकते हैं। पर उससे पहले हम इस रिमोट कंट्रोल के अंदर डालने वाले भाई दो डबल ए वाली बैटरी, जिसकी मदद से जो है भाई इसको अच्छी खासी पावर मिलने वाली है, और उसके बाद इसको लॉक कर देंगे और उसके बाद लेने वाले हम अपनी कार। तो भाई ये आ गई हमारी रेंजर और उड़ती हुई हमारे हाथ में, और भाई साहब मैं आपको बताऊं तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका ग्रीन कलर जो है आपको बैन 10 की याद दिला देगा यार। और इसकी हेडलाइट देखो इतनी तगड़ी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इसकी ग्रिल देख रहे हो इतनी असली बना रखी है, जो लैंड रोवर जो कार होती है ना रेंज रोवर की इवॉक, सेम वो ये दो वाइपर के साथ इन्होंने बिल्कुल एकदम शीशा देख रहे हो बिल्कुल एंड में इसका खत्म हो रहा है, एकदम पैनोरमिक सनरूफ वगैरह आपको देखने के लिए मिलती है, और पीछे से आप देखोगे तो आपको इस कार का जो इवॉक मॉडल है ना उस गाड़ी की आपको याद आ जाएगी, और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। आई होप कि आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती होगी, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी रेंज रोवर कार काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी। तो यार आप ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी है। तो भाई इसके अंदर भी बैटरीज डाल देते हैं। तो भाई मैं जो आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमने दो बैटरी डाल दी, और ये तीसरी बैटरी है जो कि डबल ए बैटरी है, और ये वाला जो पहिया है जब भाई ये घूमता है ना दाएं बाएं, तो ये इसको 360 डिग्री गोल गोल घुमाने पे मजबूर करता है, ये ऐसे ऐसे भाई साहब गोल गोल घुमाएगा इसको, और पूरा 360 डिग्री का इसका एक चक्कर लगवाता है, जिसकी वजह से ये जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो भाई इसको करते हैं ऑन, और ये ऑन करने के बाद अब देखने वाले हम इस गाड़ी का जादू। यार एक बार इसका लुक देखो भाई साहब, मतलब भाई दिल आ जाएगा यार इसके ऊपर सच में यार, कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई रियल कार खड़ी है यार सच में यार। ओ भाई साहब अब तुम देखो 360 डिग्री स्पिन करके दिखाई दी गाड़ी, ओ माय गॉड गाइस 360 डिग्री घूम रही है, ओ भाई साहब भाई हेडलाइट देखी इसकी, हेडलाइट एकदम ओरिजिनल की चल रहे हैं, ओ भाई रे अंधेरे में, ओ माई वाओ यार, मतलब इस चीज के लिए भाई एक ही चीज बोलूंगा कि अमेजिंग, और इसने कतई गजब भाई कतई धुम्मा उठा दिया, इतनी तगड़ी थी ये, और यार इसकी हेडलाइट लिटरली इतनी अमेजिंग है ना मैं आपको क्या बताऊं, और इसके जो शीशे इतने ब्लैक हैं कि इसको देख के बहुत मजा आता है, और ये वाले जो शीशे आपने अक्सर जो है ना भाई बड़े देखे होंगे लेकिन रेंज रोवर के अंदर छोटे होते हैं, ये इस साइज में होते हैं जैसा आप इसको देख रहे हो, तो भाई ये बड़ी गाड़ी का ना आप इसको एक छोटा मॉडल समझ सकते हो, जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये देख रहे हो भाई इधर दो स्पेस भी इन्होंने दे रखे हैं, तो ये भाई कार जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई, अगर आपको भी ये वाली रिमोट कंट्रोल वाली कार काफी ज्यादा पसंद आए तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिख के उसके आगे आपको लिखना अपना नाम, और उसके आगे लिख देना RC रेंज रोवर, ताकि मैं जो आपको ये वाली रेंज रोवर गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो यार अब बारी आती है उन 10 लोगों के शॉर्ट आउट की, जिनमें से किसी तीन को मिलने वाला डोरेमोन का ATM मशीन। तो ये है वो 10 नाम, सुनील कुमार, अरान हुसैन, शगुफ्ता, जामिल, उत्कर्ष, वंश, युधिष्ठिर, राणा, मब्दुल्ला, सुमन शर्मा, प्रिया गेदाम, मनोज वाल्मीकि। तो इन 10 में से आज की नहीं, तीन लोगों को यार ध्यान से सुनो, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन लोगों को मिलने वाला है डोरेमोन की तरफ से आने वाला ये वाला सिक्योर कोड लॉक वाला भाई साहब, यानी कि जिसके अंदर एक लॉकर दे रखा है, LED लाइट दे रखी, और ये पासवर्ड से खुलता है, ये पैसा आप जैसे इसके अंदर लगाओगे ये ऑटोमेटिक खींच लेता है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आप देख रहे हो ना, ये इन्होंने जो एक इसके ऊपर जो ड्रॉ कर रखा पैटर्न, ये सेम इसी तरीके से वर्क करने वाला है, आप इसके अंदर जैसे नोट को डालोगे ये ऑटोमेटिक खींच लेगा जैसे कि एक्चुअल में होता है, और अगर आप चाहो तो आप पेपर मनी डाल के भी इसके अंदर ट्राई कर सकते हो, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो भाई वाकई में आज जो है किन्हीं तीन लोग है भाई बहुत ज्यादा मजे होने वाले हैं, और उनकी वाकई में भाई बल्ले बल्ले होने वाली है। तो भाई आज आपने देखा कि जिसमें कि हमने आपको दिखाया सस्ते से लेके महंगे टॉयज तक, जो काफी ज्यादा महंगा हमारा ट्रेन का सेट था, और हमने आपको दिखाया भाई छोटे से लेके बड़े सेट, जिसके अंदर आपने देखा कि एक RC स्मोक कार से लेके RC हेलीकॉप्टर, स्पाइडरमैन ड्रोन है, रेंज रोवर, हर एक चीज हमने आप लोगों को दिखाया, और हमने आपको यूनिकॉर्न के पैन के कलेक्शन से लेके यूनिकॉर्न का ज्योमेट्री कलेक्शन तक दिखाया। तो यार अगर आपको आज के कलेक्शन देख के बहुत ही ज्यादा मजा आया तो भाई करें ज्यादा से ज्यादा लाइक, और अगर इस वीडियो पर 1000 से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो भाई ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन है 10 में से कर दिया जाएगा किसी एक बंदे को गिव अवे, तीन को नहीं एक बंदे को कर दिया जाएगा गिव अवे, और अगर भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे कमेंट्स आते हैं तो फिर हम चुनेंगे 15 लोगों को, और 15 में से किसी दो लोगों को कर देंगे गिव अवे। तो भाई साहब अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल में नए तो चैनल के सब्सक्राइब और बाजू में दिखाई बेल आइकन, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।